Let's call it in the crossfire. Hey, what is up guys, welcome back to the channel India Sonic. आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं Ford EcoSport की ऑफरोड कैपेबिलिटीज। जब से मैंने Nexon और Brezza की ऑफरोड वीडियो बनाई है, इस गाड़ी के लिए भी बहुत सारी रिक्वेस्ट आ चुकी है। EcoSport सबसे पहली सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV थी इंडिया में, और इस सेगमेंट को पॉपुलर करने में इसका सबसे बड़ा हाथ है। इसकी लुक्स भी SUV से ही इंस्पायर्ड है। काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन है गाड़ी की, पर कई सालों से डिज़ाइन में कुछ मेजर चेंजेस नहीं आए हैं, जिसकी वजह से दूसरी कॉम्पैक्ट SUVs इसे सेल्स के नंबर्स में ओवरटेक कर चुकी है। EcoSport में 200 mm ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा है, और सिर्फ टाटा Nexon के ही पीछे है अपने सेगमेंट में। गाड़ी है तो फ्रंट व्हील ड्राइव ही, पर अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस इसे थोड़ी बहुत ट्रिकी सिचुएशन से बाहर निकलने में भी मदद करती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहली क्लिप में हम गाड़ी को बहुत ही बड़े डायगोनल रट्स वाला ऑब्स्टेकल पार करते हुए देखेंगे। गड्ढा इतना बड़ा है कि गाड़ी का अगला हिस्सा अंदर ही घुस जाता है। पिछला टायर भी हवा में चला जाता है, पर फिर भी चलती ही रहती है और पार कर लेती है EcoSport। अब यहाँ पर हम एक बहुत ही डीप वाटर क्रॉसिंग देखेंगे। पानी गाड़ी के ग्रिल तक को कवर कर लेता है, पर फिर भी बिना रुके आगे बढ़ती ही जा रही है। काफ़ी अच्छी वाटर वेडिंग कैपेसिटी मिल जाती है EcoSport में। अब हम किया सोनेट और EcoSport की रोलिंग रेस और ड्रैग रेस देखेंगे। पहले रोलिंग रेस देख लेते हैं। दोनों ही गाड़ियां 20 किलोमीटर पर आर की स्पीड पर हैं और सेकंड गियर में। रेस के शुरुआत में दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रही है, पर थर्ड गियर में शिफ्ट करने के बाद सोनेट आगे आने की कोशिश करती है, पर EcoSport जैसे ही पुल करना चालू करती है वो सोनेट को पीछे छोड़ देती है और गैप बढ़ती ही जाती है। रोलिंग रेस में EcoSport जीत जाती है। अब ड्रैग रेस देखेंगे। यहाँ पर सोनेट की थोड़ी एक्स्ट्रा टॉर्क काम आती है और स्टार्ट में वो लीड ले लेती है, पर जैसे ही स्पीड पिकअप होती है तो EcoSport आगे आने लगती है और दोनों के बीच में गैप कम हो जाती है। इस रेस में सोनेट को बीच में ही स्पीड कम करनी पड़ी, क्योंकि उसकी लेन में आगे गाड़ी आ गई, पर अगर रेस कंटिन्यू भी होती तो शायद EcoSport ही जीत जाती। इस क्लिप में हम EcoSport को लद्दाख के काफ़ी ख़राब रोड्स पार करते हुए देखेंगे। EcoSport स्नो में भी काफ़ी अच्छे से चल सकती है। जैसे कि आपने देखा, गाड़ी में स्नो चेंस लगे हुए थे, क्योंकि फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ियों को स्नो में ट्रैक्शन मिल पाना मुश्किल हो जाता है, पर फिर भी EcoSport गहरी स्नो में से भी निकल जाती है। यहाँ पर हम गाड़ी को गहरे स्लश में से चलते हुए देखेंगे। गाड़ी का राइट साइड नीचे कीचड़ से चल रहा है और लेफ्ट साइड ऊपर कच्चे रास्ते से। अगर यहाँ पर EcoSport अटक जाती है तो निकलना मुश्किल हो सकता है, पर गाड़ी एकदम टेढ़ी होने के बावजूद स्पीड मेंटेन करते हुए पार कर लेती है स्लश को। अब EcoSport को एक बड़ा सा जंप करते हुए देखेंगे। ऐसा जंप हमने सिर्फ Nexon और इस गाड़ी को ही करते हुए देखा है, इनकी बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से। दूसरी कॉम्पैक्ट SUVs में ये करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इस क्लिप में हम गाड़ी को एक डिक्लाइन उतरते हुए देखेंगे। डिक्लाइन तो काफ़ी छोटा है, पर जैसे कि आप देख सकते हैं, पिछला राइट टायर हवा में भी चला जाता है, पर फिर भी धीरे से आगे बढ़ती रहती है और नीचे उतर जाती है EcoSport। यहाँ पर हम गाड़ी को स्नो और कीचड़ में बड़े पोटल्स को पार करते हुए देखेंगे। गड्ढे काफ़ी गहरे हैं और गाड़ी को ऊपर नीचे भी उछाल रहे हैं, पर EcoSport बिना रुके आसानी से निकल जाती है। इस क्लिप में हम गाड़ी को इंक्लाइन चढ़ते हुए देखेंगे। अब यहाँ पर गाड़ी को स्टेयर से नीचे उतरते हुए भी देखेंगे। अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस के बिना ये करना पॉसिबल नहीं होता। अब एक और ड्रैग रेस हम देखेंगे मारुति सुजुकी विटारा Brezza और EcoSport के बीच। Brezza का पिकअप काफ़ी बढ़िया है और रेस के शुरुआत में वो लीड ले लेती है, पर जैसे आपने सोनेट के साथ देखा,
थोड़ा ही आगे चलकर एकोस्पोर्ट ओवरटेक कर लेती है और रेस जीत जाती है। अब सेकेंड अटेम्प्ट में ड्राइवर्स बदलने के बाद भी सेम ही रिजल्ट देखने मिलता है। इस क्लिप में हम एकोस्पोर्ट को गहरे स्लश को पार करते हुए देखेंगे। ऐसे ऑब्स्टिकल्स फ्रंट व्हील ड्राइव कॉम्पैक्ट एसयूवीज के लिए पार करना काफी मुश्किल होता है। आप देख सकते हैं एकोस्पोर्ट कितनी बढ़िया तरीके से आगे बढ़ती ही रहती है और निकल जाती है कीचड़ से। तो चलिए दोस्तों, लास्ट में मैंने फोर्ड एकोस्पोर्ट और महिंद्रा स्कॉर्पियो की भी ड्रैग रेस दिखाई है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, जैसे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां मैं काफ़ी सारा कंटेंट पोस्ट करता हूं जो यूट्यूब पर नहीं कर पाता, और सारे कमेंट्स भी पढ़ता हूं। उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो में। Lions roaring in the morning sun, searching for the longer day. Night has just come, we must never stop the way. Yeah. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Savannah.